हेलो स्टूडेंट, मैं आपका एचआरई ट्रेनर चंदन। आज हम बात करेंगे मोबाइल टच स्क्रीन के बारे में। आप लोगों ने नॉर्मली मोबाइल फ़ोन यूज़ किया हो या कर रहे हो, तो स्मार्टफोन आप सब आई थिंक कि आप आज की डेट में यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि आपका जो ये पीपीटी या जो आपका जो अभी क्लास भी आपका चल रहा है वो ऑनलाइन ही चल रहा है, तो स्मार्टफोन पर एक्सेस करोगे। तो आपने जब कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ किया तो उसमें आपने देखा होगा टच स्क्रीन, टच के माध्यम से आप उसको कोई कमांड या इनपुट देते हो, ठीक है, और बदले में वो फिर आउटपुट के रूप में आपको वो इन्फॉर्मेशन देता है जो आप उस पर सर्च करते हो या जो उस फ़ोन को कमांड देकर आप करवाना चाह रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली टच स्क्रीन होता क्या है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में टच स्क्रीन के बारे में हमें जानना जरूरी है, क्योंकि होता क्या है कि इंटरव्यू के टाइम पर ये पूछेंगे कि टच कितने टाइप का होता है, क्या काम होता है टच का, क्यों जरूरी है। तो ये तो देखेंगे कि टच स्क्रीन और टच इज बोथ एन इनपुट और आउटपुट डिवाइस इज नॉर्मली लेयर ऑन द टॉप ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। मतलब टच स्क्रीन या टच एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है जो नॉर्मली एक लेयर का होता है जो टॉप पे होता है मोबाइल फ़ोन के, और वो इलेक्ट्रॉनिक विजुअल को डिस्प्ले करता है, मतलब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के रूप में, ठीक है। तो इसके बारे में ये है कि आप जो इनपुट देते हो, जो कमांड देते हो मोबाइल फ़ोन को, वो आउटपुट के रूप में आपको डिस्प्ले पे दिखाता है, ठीक है। तो देखेंगे कि कितने टाइप के डिस्प्ले होता है, मतलब ये टच तो लिखा हुआ है कि बेसिकली टू टाइप टच स्क्रीन इज यूजिंग मोबाइल फ़ोन, मतलब जो बेसिकली है जो वो दो टाइप का टच स्क्रीन है जो मोबाइल फ़ोन में यूज होता है, ठीक है। एक होता है रेसिस्टिव टच और दूसरा होता है कैपेसिटिव टच, ठीक है। ये इनके बारे में देखेंगे कि काम कैसे करता है, क्या होता है। तो एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एन रेसिस्टिव टच इज अ टच सेंसिटिव कंप्यूटर डिस्प्ले कंपोज ऑफ टू फ्लेक्सिबल सीट कोटेड विथ अ रेसिस्टिव मटेरियल एंड सेपरेटली बाय एयर गैप और माइक्रो डॉट, ठीक है। जो टच स्क्रीन होता है जो आप ये देख रहे हो रेसिस्टिव टच इज अ टच सेंसिटिव कंप्यूटर कह लो, या यहाँ पे मोबाइल फ़ोन भी होना चाहिए, क्योंकि आप जो लैपटॉप देखते हो लैपटॉप में भी आजकल टच स्क्रीन आ रहा है, या फिर आप एटीएम पे जाते हो तो वहाँ पे भी टच स्क्रीन देखने को मिलता है अलग, मतलब इसका प्रिंसिपल तो एक ही होता है जो रेसिस्टिव टच है। तो उसके बारे में है कि रेसिस्टिव टच इज एंड द टच सेंसिटिव डिस्प्ले कंपोज फॉर अप टू फ्लेक्सीबल सीट कोटेड विथ रेसिस्टिव मटेरियल एंड सेपरेट बाय एन एयर गैप और माइक्रो डॉट, ठीक है। मतलब कि जो एक टच स्क्रीन होता है जो रेसिस्टिव टच होता है वो दो फ्लेक्सिबल लेयर का होता है जिसके बीच में रेसिस्टिव मटेरियल के साथ एक एयर गैप होता है। एयर गैप आप देख रहे हैं, ये आप पिक में देख सकते हैं, ये जो है ना ये एयर गैप है, या फिर माइक्रो डॉट जो बिल्कुल छोटा सा गैप होता है, ये माइक्रो डॉट 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं। जब आप इस पर काम करते हो ना, जब इस पर किसी चीज़ को आप कमांड देना है, टच करना है, तो जब टच करते हो तो रेसिस्टिव टच पे हमेशा आप देखोगे कि ये दोनों चीज़ें चलता है। एक तो आपके हाथ से चल जाएगा उंगली से, दूसरा स्टाइलिस से चल जाएगा, स्टाइलिस के रूप में चाहे पेन हो, चाहे किसी टाइप का मेटल हो या कोई और मटेरियल हो, मतलब जो हार्ड हो उसे यह काम कर जाता है। होता क्या है कि जब इस पर आप टच करते हो तो प्रेस करते हो तो हल्का सा ये जो फ्लेक्सिबल शीट होता है ना वो हल्का सा दबता है, और माइक्रो डॉट के नीचे जो इसके इनपुट लेयर होता है वहाँ पे एक टच पॉइंट होता है, वहाँ से कमांड जाके फिर प्रोसेस करता है कि आपको क्या किस पॉइंट पे आपने टच किया। जैसे कि यहाँ पे उंगली से इसने टच किया तो यहाँ पे भी एक गैप बन गया, थोड़ा सा दब गया, सेम यहाँ पे है, ये स्टाइलिस से किया तो दब गया, और ये फिर जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोसेस कर दिया कि हमें क्या कमांड मिला और क्या करना है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं फोटो में रेसिस्टिव टच पैनल है, ये फिल्म है ऊपर का, बीच का है इंसुलेटर जो ये प्लास्टिक का होता है, ठीक है, या एयर गैप है, ठीक है, सेपरेट डॉट जो जिसको एयर गैप या माइक्रो डॉट बोलते हैं, और ये है आपका नीचे वाला ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड फिल्म, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड फिल्म है जिसपे कमांड वो रिसीव करके आगे इन्फॉर्मेशन भेजता है। वैसे ही इस पर है, यहाँ पे भी सेम थिंग है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो वही कि रेसिस्टिव टच होता है वो हाथ और किसी भी स्टाइलिस हो, पेन हो, या किसी भी हार्ड मेटल के उससे इसको ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब कि यह
एक फ्लेक्सिबल टच स्क्रीन होता है, मतलब दिखने में आपको फ्लेक्सिबल नहीं लगेगा, लेकिन इसमें आप जब हार्ड प्रेस करते हो ना तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर बनता है और उस प्रेशर के माध्यम से ये ऑपरेट होता है। ठीक है, इतना याद रखना। तो अगर कोई आपसे पूछे कि टच स्क्रीन कितने टाइप का होता है मोबाइल फ़ोन में खासकर जो यूज होता है, तो बोल सकते हैं कि दो टाइप के टच स्क्रीन यूज करते हैं, पहला रेसिस्टिव और दूसरा कैपेसिटिव। रेसिस्टिव कैसे काम करता है, तो वो हमारे फिंगर के प्रेशर से या फिर जो स्टाइलस उसके प्रेशर के माध्यम से काम करता है। जब उस पर हम टच करते हैं तो हल्का सा जो पहला लेयर है वो प्रेस होके जो ट्रांसपेरेंट फिल्म होता है उस पर वो उस इलेक्ट्रोड को एक्टिव करता है और फिर वहाँ से इंफॉर्मेशन वो आगे प्रेस होके फिर वो काम करती है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि टच स्क्रीन जो है वह दोनों चीज़ों से ऑपरेट होता है। आप अपने फिंगर से भी उसको ऑपरेट कर सकते हो, स्टाइलस के माध्यम से भी, जो नॉर्मली पेन हो या फिर इसके साथ जो स्टाइलस आ रहा हो या किसी अदर चीज़ से, ये मतलब प्रेसिंग के माध्यम से चलता है। आपको इतना याद रखना है। ठीक है, इसमें किसी भी टाइप के ह्यूमन जो बॉडी का जो टेम्परेचर है या थर्मल इमेजिंग है वो सेंस नहीं करता। ठीक है, तो इसमें इतना ही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका कैपेसिटिव टच। ठीक है, पहला तो था रेसिस्टिव टच, दूसरा है कैपेसिटिव टच। इसमें आप देखेंगे कि कैपेसिटिव टच स्क्रीन एज ए कंट्रोल बाय द यूज द कंडक्टिव टच ऑफ द ह्यूमन फिंगर और अ स्प्लाइज डिवाइस फॉर इनपुट। देज स्क्रीन आर मेड फॉर मल्टी लेयर ऑफ ग्लास, द इनर लेयर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड सो डॉट द आउटर लेयर, सो इफेक्टिवली द स्क्रीन बिहेव लाइक टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टर सेपरेटेड बाई एन इंसुलेटर। इन अदर वर्ड कैपेसिटर इज एन कैपेसिटिव टच स्क्रीन, द होल स्क्रीन इज अ लाइक कैपेसिटर। ठीक है, मतलब इसमें यही है कि यह जो टच स्क्रीन होता है ना, यह ये जो टच स्क्रीन होता है, या ये ह्यूमन फिंगर या स्पेशल वर्ड डिवाइस जिसको स्टाइलस बोलते हैं उसके द्वारा इसको इनपुट दिया जाता है, ये उसके माध्यम से चलेगा, या तो आपके उंगली के सहारे ये चलेगा या फिर एक जो स्पेशल स्टाइलस होता है जो थर्मल जो सेंसिटिव होता है हमारे बॉडी की जो करंट है या इलेक्ट्रिकल जो वेव है उसको सेंस करता है उसके माध्यम से चलेगा और किसी के माध्यम से। तो ये बेसिकली दो चीज़ों से चलता है। आप अपने चेक भी किया होगा कि जैसे आपके पास आज की कोई नया स्मार्टफोन हो उसको आप उंगली से चलाओगे चल जाएगा, लेकिन पेन के सहारे नहीं चलेगा या किसी अदर चीज़ के सहारे नहीं चलेगा। ठीक है, और यह काम कैसे करता है, तो जो हमारे बॉडी का जो ह्यूमन जो थर्मल पावर होता है ना, मतलब जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर उसको सेंस करके चलता है, ये ऑपरेट होता है। काम वही है इसका सेम कि इनपुट आउटपुट के रूप में काम करता है, मतलब इसके सहारे हम इसको जो कमांड देना है देते हैं, बदले में ये वापस डिस्प्ले पे हमें वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करके दिखाती है। ठीक है, आप यहाँ पे पिक में देख सकते हैं कि सेंसर ट्रेसेस है, लेंस एंड केसिंग है इधर दिखा रखा है ये। ठीक है, ये कैपेसिटिव टेक्नोलॉजी का बना हुआ है और यह LCD नीचे वाला, ठीक है, जिसपे आपको चीज़ें दिखती है। द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटिव टच सेंसिंग, ये एरिया, ये प्रोडक्टिविटी ओवर लेयर, कॉपर पैड और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, नीचे मदर बोर्ड है। ठीक है, और ये इसका कैपेसिटर है और नीचे ग्राउंडिंग, मतलब कि ये इसका थोड़ा सा डायग्राम दिखा दिया गया है कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं कि एक बॉडी की जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना, एक बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको सेंस करके इसको कमांड मिलता है। इसमें कोई फोर्स नहीं होता ना इसको प्रेस करके चलाते हैं। आप मोटा मोटी बोल सकते हैं कि यह बॉडी की थर्मल हीट से यह काम करता है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछेगा कि टच जो कैपेसिटिव टच है वो कैसे काम करता है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी की थर्मल हीट से काम करता है। मतलब जब हम आप उस पर उंगली प्रेस करते हो लगाते हो तो जो उंगली में एक थर्मल टेम्परेचर होता है उसके थ्रू इसको कमांड मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, कुछ ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, ह्यूमन फिंगर स्पेस फॉर डिवाइस फॉर इनपुट, मतलब ये वही है कि दो चीज़ चलता है, फिंगर और स्पेशल कोई डिवाइस है जिसके द्वारा हम इनपुट दे सकते हैं। देज स्क्रीन आर मेड फ्रॉम मल्टीपल लेयर, हाँ मतलब कि मल्टी लेयर का बना होता है, एक दो तीन, इधर देखते हैं एक दो तीन चार, मल्टी लेयर का बना होता है।
द इनर लेयर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सो डॉट द आउटर लेयर्स आउटर लेयर, ठीक है, ये डॉट के बारे में, ये इलेक्ट्रिसिटी डॉट है, ठीक है। सो इफ इफेक्टिवली द स्क्रीन बिहेव लाइक टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टर सेपरेट बाय इंसुलेटर, वही है कि इंसुलेटर के लिए की तरह काम करता है। बट आप इसको, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे PPT, इसमें थोड़ा सा कुछ मुझे मिसिंग लग रहा है, क्योंकि इसमें इसको ये भी बोला गया है इस टच के बारे में कि ये मल्टी टच की तरह काम करता है। आप इसको मल्टीपल जगह से आप वन टाइम में काम ले सकते हो, ठीक है, मल्टी यूजिंग के लिए। तो ये मिसिंग है इसमें, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको फिर से क्लियर कर दूंगा, क्योंकि इसके बारे में आपको थोड़ा सा और जानने की ज़रूरत है, और मैं इसका एक और वीडियो आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो बस आप इसमें दो चीज़ याद रखेंगे कि टच कितने टाइप का होता है, तो दो टाइप का होता है, पहला रेसिस्टिव और दूसरा कैपेसिटिव, ठीक है। आज की डेट में जो भी स्मार्टफोन आ रहा है, जो 4G टाइप के जो जितने भी फ़ोन हैं, सब में कैपेसिटिव टच ही होता है। आप ध्यान रखेंगे सब में कैपेसिटिव टच होता है। अच्छा, इसकी पहचान क्या है, तो पहचान में देखेंगे कि ये हमेशा आपके उंगली से ही ऑपरेट होगा। अगर आप इसको पेन से चलाना चाहेंगे या किसी टाइप के मेटल कील या किसी और चीज़ से, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे यह बॉडी का थर्मल हीट को सेंस करके ये काम करता है, थर्मल इमेजिंग कह लो या हीट उसको सेंस करके काम करता है। जबकि रेसिस्टिव टच है, ये दोनों चीज़ से चलता है, किसी पेन से चला लो या उंगली से चला लो, ये प्रेसिंग के माध्यम से चलता है। तो ये टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है और यह अभी बहुत कम है, मतलब कुछ कुछ डिवाइसों में आता है, जैसे टिकट मशीन वेंडर है वहाँ पे लगता है ये, या फिर अलग POS मशीन है उसमें लगता है, या जो पुराने टाइप के फ़ोन्स आते थे 3G टाइप के उसमें ये लगा आता था, नोकिया के फ़ोन थे, मोटरोला के फ़ोन थे, और भी जो आज से 5 साल पहले जो मोबाइल फ़ोन आ रहे थे उसमें ये होता था, जिसमें आप दोनों चीज़ से ऑपरेट कर सकते थे। लेकिन अभी जो कैपेसिटिव टच है, ये आज के ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और आज के फ़ोन में सारे कैपेसिटिव टच ही आ रहे हैं, जो हमारे उंगली के उससे चलता है, थर्मल हीट से चलता है, या फिर आप इसको स्पेशल इसके साथ जो स्टाइलिश आता है, जो खास करके वो थर्मल हीट को सेंस करता है, उसके माध्यम से भी चलता है, जैसे कि गैलेक्सी सैमसंग का गैलेक्सी आता है, गैलेक्सी नोट आता है, नोट टाइप के जितने होते हैं उसके साथ एक स्टाइलस होता है, आपने देखा होगा पतला सा पेंसिल की टाइप की होती है, जिसके थ्रू हम उस पर कोई चीज़ लिखते हैं या ड्रॉ करते हैं, तो उसके माध्यम से चलता है। तो आपने आज की क्लास में जाना कि टच दो टाइप के होते हैं, रेसिस्टिव और कैपेसिटिव टच, ये दोनों का काम करने का सिद्धांत क्या है, ये आपने देखा कि एक प्रेसिंग के माध्यम से चलता है और दूसरा बॉडी के थर्मल हीट के माध्यम से चलता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, इसके लिए मैं एक और आपको वीडियो दे दूंगा, जो आपको अगर कुछ डाउट रहेगा तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।